हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं. हम लोग थर्ड पार्टी की जो ये सीरीज़ चल रही है, तो बिल्कुल इसको ही हम कंटिन्यू रखेंगे अभी, जब तक कि आपको इन चीज़ों का समझ में नहीं आ जाए कि ये चीज़ें क्यों चेंज हुई, है ना. चलिए, एनर्जी कैसे चेंज होती है. तो थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हाल है, और आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की जो लाइफ में उनकी एंट्री हुई है, या वो ऑलरेडी एंटर्ड हैं काफ़ी सालों से, महीनों से, तो क्या हाल है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन से, और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से कैसा रिलेशन है. चलिए देखते हैं. ओके, आगे जाए माइक. मेरी डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हेल्प मी. जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में, अगर सबके लिए रीडिंग है गाइस, ये मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक या किसी उस पे मैं नहीं बना रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम, ठीक है. ओके, ये कार्ड आ रहा है तो लेते हैं. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. ओके. तो आपके पार्टनर का, आप थर्ड पार्टी से क्या चल रहा है, क्या सीन है. ओके, क्रिएशन. ट्रिकरी गाइस, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पे रोजाना आरती होती है, तो अच्छी बात है. भगवान का नाम ही ले रहे हैं ना, गलत नहीं है. ओके, एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड और लेते हैं. एक कार्ड क्वेस्ट. ओके, क्वेस्ट. कंफ्यूजन एंड बीटर स्वीट. वाह, थर्ड पार्टी देखो उनको मनाने की कोशिश कर रही है, बट वो कहीं ना कहीं आ किसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, थर्ड पार्टी की तरफ. नाइस एनर्जी. पीस चाहते हैं एक्चुअली, वो उससे ना भर गया उनका मन ना, उन इसकी हरकतें देख के, ये मैनिपुलेशन देख के, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ. एनलाइटनमेंट यानी कि यूनिवर्स उनकी तरफ है. यूनिवर्स उनको ना, देखो ये खुशियाँ लाने के लिए ना, ये आपकी लाइफ में, ये ग्रीफ, देखो कार्ड उल्टा आ गया है, देख रहे हो, ग्रीफ है ये बट उल्टा आ गया, यानी कि ये आपकी लाइफ से हटेगा, आपकी पार्टनर की लाइफ से भी हटेगा. क्योंकि एक एनलाइटनमेंट क्या होता है, एनलाइटनिंग की तरफ को जाना, यानी कि उसकी सोच टोटली चेंज, टोटली चेंज, डायमेंशन ही चेंज हो जाता है ना, सोच का. ये 3D लाइफ से आप सीधे छलांग लगाते हो 5D, 6D में, डायमेंशन में. आपकी सोच एकदम से यूं ड्रास्टिक चेंज होता है, आपकी सोच में चेंज आता है, ठीक है. और आपकी जो ये थर्ड पार्टी है, बिल्कुल बीटर स्वीट, उसको मतलब कि एक ना, एक अंदर से कुछ बाहर से कुछ, और उसको बनाने की और कोशिश कर रही है, बट वो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना. कंफ्यूजन में बहुत है. यूनिवर्स उनके साथ है. यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल अपनी सोच को सही करो, कंफ्यूजन मत करो. देखो जो तुम्हारी डिवाइन फेमिनाइन है वही तुम्हारी पार्टनर है, वही तुम्हारी सब कुछ है, या आप जैसे भी देख रहे हैं, मैं ऐसी बात करूंगी, ठीक है. और वही आपकी पार्टनर है. कंफ्यूजन से निकल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ. क्यों इतने, देखो दोनों कंधों ऐसे पकड़ रखा उन्होंने, भगवान ने कैसे उनको पकड़ रखा, वो प्रोटेक्टेड है. क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि उसको अकल आए, इस बंदे को, इस पर्सन को, इस बंदी को, जो भी जैसे भी आप देख रहे हो, अकल आए थोड़ी सी, है ना. तो इसकी सोच चेंज हो. एक अगर अगर इसके साथ ये नहीं होता, थर्ड पार्टी नहीं आती ना, तो पता क्या होता, ये आपकी वैल्यू ऑन ऑफ करता, वैल्यू नहीं करता, बस आपको यूज़ करता, या आपके इमोशन से खेलता, जैसे उसको एनर्जी मिलती है और ये भर जाता, ये चला जाता, फिर आता लेता, फिर चला जाता, पैसे ख़त्म होते फिर आता, अकाउंट से पैसे निकालता आपके, फिर चला जाता. ये यानी कि एनर्जी कह रही हूँ मैं, पैसे नहीं कह रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. और आपका अकाउंट बिल्कुल खाली करने वाला, खाली करके तो गया ही था, बट कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाता है थर्ड पार्टी में. इसलिए
आपके, मैं इसलिए बोलती हूँ थर्ड पार्टी जो है आपके हेल्प के लिए है, आपके हेल्प के लिए है, टोटली आपके हेल्प के लिए। इसको कोसिए मत, थर्ड पार्टी को ब्लेसिंग्स दीजिए। जहाँ आपने ब्लेसिंग्स देनी शुरू करी ना, उसकी कर्मा बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, समझ गए, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी से भी आपके जो कर्मा जुड़े हुए हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कार्मिक अकाउंट जीरो कर दोगे आप इस तरह से करके। तो ये करना शुरू करो, ये एनर्जी है गाइज, ये एनर्जी है। कभी ना कभी आपने एक कॉर्ड जोड़ ली है थर्ड पार्टी से और थर्ड पार्टी को आपके बीच में डाला जाता है क्योंकि आपके कर्मा रिलीज हो, और आपके पार्टनर को भी तभी अकल आएगी। तो इसलिए डिवाइन जो है उनको ऐसे ही आपके दोनों के बीच को, आप दोनों को सेपरेट करते हैं, उनको थर्ड पार्टी में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? उसको अकल आए कि जैसा तूने उसके साथ किया है वैसा तेरे साथ अगर हो तो तेरे को कैसा लगेगा। एक एक चीज को समझता है बंदा कि वाह ये क्या हो गया मेरे साथ, ये चीजें क्या हो रही हैं, ये तो मैंने उसको भी दिया था, तो रियलाइज करता है। अगर रियलाइजेशन ना हो, है ना, महसूस ना हो किसी चीज को, अफसोस ना हो, तो वो जो रिलेशन है या कुछ भी है 3D लाइफ में, फिजिकल फॉर्म में है आप लोग चाहे कितने भी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अगर उसको इस चीज़ की समझ नहीं है तो वो इस रिश्ते को बिल्कुल वैल्यू देने वाला नहीं है, देने वाली नहीं है, जब तक उसको ठोकर ना लें, जब तक उसको एहसास ना हो। तो भगवान कराता है उसको एहसास, ईश्वर कराते हैं उनको एहसास, समझ गए। तो ये ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब सोचने की जरूरत नहीं, अब तू सही सोच रहा है जो सोच रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन मत डाल, कन्फ्यूजन में मत आ, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। अब जो तेरी सही सोच है ना इस चीज़ से निकल रहा है, ये तेरी खुशी में, ये तेरा एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट यानी कि एक प्रकाश की तरफ, एक एक कन्फ्यूजन से निकल कर अपनी सोच को एक प्योर प्योरिटी में आने का, ये तेरा ये जो प्रोसेस चल रहा है, सोल तेरी जो इवॉल्व हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका, ये अब सही रास्ते पे चल रहा है तू, अब मेरे रास्ते पे चल रहा है, अब मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो तुझे चारों तरफ से पकड़ रखा है, तू बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, अब कोई तेरे को मैनिपुलेट कर नहीं सकता, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया, खुशियाँ आप तेरी लाइफ में आएंगी। तो आप जो थर्ड पार्टी है ना, इसको हम क्लियर कर लेते हैं ज़रा कार्ड से, ठीक है, थोड़ा सा फटाफट, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती मैं रीडिंग। ओके ओके, डिसिपेटिंग यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, ओके सन, वाओ, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। उनका परसेप्शन ना चेंज होता जा रहा है, क्लैरिटी मिल रही है उनको इस रिश्ते में, बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहते हैं, बोर हो गए, एक तरह से बंधे से फील कर रहे हैं। क्रिएशन, क्रिएशन यानी कि क्लैरिटी मिल रही है, क्रिएशन यानी कि अपनी कुछ अपनी चीज़ों को काम करने का उनका मन करता है, अब अपने ऊपर काम करने का मन करता है, अपनी चीज़ों अपनी तरह से जीने का मन करता है एक तरह से। क्रिएशन यानी कि अपने अंदर की हॉबीज़, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर जो जैसे जो हमारा मन करता है ना वो क्या कहते हैं खुल के करना अच्छा लगता है जैसे, तो वो कहीं ना कहीं दब गया था, वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं, क्रिएटिविटी क्या होती है, अपने अंदर का कौशल, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर के जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो करने का मन करता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इससे, इस जो थर्ड पार्टी से जो बाउंड्रीज बना ली है ना, तो अब वो उन क्लियर हो गया उनको, इनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। सन का कार्ड भी यहाँ पे इसलिए आया कि बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से ना सूरज निकल गया, अंधेरा छट गया, ऐसे वाली उनके दिमाग के बादल छट गए, ऐसा काले बादल छट गए, उनके परसेप्शन ही चेंज हो गया इस थर्ड पार्टी को लेके, और कहीं ना कहीं वो निकलना चाहते हैं इसकी चंगुल से, द चैरियट, क्योंकि समझ गए, समझ में आ गया है उनको पूरी तरह से, फील हो गया कि क्या अच्छा था मेरे लिए, क्या बुरा था, सब कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो, और फियरलेस एक तरह से होते दिख रहे हैं मुझे। ट्रिकरी क्यों आया है यहाँ पे आखिर माइकल, ट्रिकरी इसलिए आया है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, जो आपके पार्टनर है, सॉरी, आपके पार्टनर की एनर्जी उस थर्ड पार्टी ने ऐसे चूस ली, खाली कर दिया उसको, जैसे आपको खाली करके चले गए थे ना, दिल से दिमाग से खाली कर दिया था आपको बिल्कुल, और आपके पास कुछ था ही नहीं। कहते ना कि जब आप सब कुछ आदमी लूट के ले जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय सिर पर हाथ रख के रोने के, आपकी भी ऐसी हालत हो गई थी ना, अब आपके पार्टनर की ऐसी हालत है, उस थर्ड पार्टी ने ये हाल कर रखा है, सब कुछ छीन लिया, यानी कि जो उसकी एनर्जी थी, जो वो खुश रहता था और जिस कारण से वो
चुरा लिया सब उसको, उसकी एक एक इतनी पॉजिटिव एनर्जीज उसने चुरा ली हैं, उसकी खुशियाँ, उसका सब कुछ खाली कर दिया उसको पूरी तरह से, एक तरह से। तो इसकी ये हालत हो रही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको कर दिया था, बिल्कुल खाली कर दिया था ना। कहते ना कि एक फल का टोकरा रखा है, मिठाई का टोकरा रखा है और तीसरा खाली है, तो सोचो इंसान किसके पास जाएगा? तीसरे के पास तो नहीं जाएगा जो खाली है, भरे हुए के पास ही जाएगा। तो जब आप भरे हुए थे ना, तब आपके पार्टनर आपके पास थे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी प्योर होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको फील अच्छा होता है, बहुत सुकून फील करते हैं, है ना। और जब वो आपकी एनर्जी से भर जाते हैं पूरी तरह से, और आप डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी में आ जाते हैं, डिस्टॉर्टेड फील करते हैं अपने आप, भाई छोड़ के ना चला जाए मेरी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी सक हो रही है, आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है ना, तो आप अपनी एनर्जी को के लिए क्रेविंग करने लगते हैं। देखो समझो इस एनर्जी के गेम को, जब आपकी एनर्जी फ्लो होने लगती है और आपको लगता है ये कितना प्यार करता है मुझे, हाय कितना प्यार करता है, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप इतने प्यारे हो, आप प्यार करते हो अपने आप को, दूसरों को, तो आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है, वो चुरा रहा है, ले गया। तो आपको क्रेविंग किस चीज़ की हुई कि मेरी एनर्जी जा रही है, हाय कितना प्यार करता है ये मेरे को, ये तो मेरे को छोड़ के ना चला जाए, यानी कि आपकी एनर्जी कट हो रही है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी खाली हो रही है, आपकी एनर्जी फ्लो होती जा रही है, आपका टैंक जो एनर्जी का है खाली हो रहा है, यानी कि आपको फिर क्या डर लगने लगा, यार ये तो मेरी, आपको फिजिकल फॉर्म में 3D लाइफ से है तो आप तो समझ नहीं आ गया एनर्जी क्या होती, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप समझ लो इस चीज़ को। तो आप डरोगे इस चीज़ को लेके कि ये क्यों मेरे को इतना घबराहट क्यों हो रही है, मैं तो बहुत मस्त रहने वाली हूँ। मैं ऐसे ही बोलूँगी, मैं इस तरह से बोलूँगी जैसे आप हो, जेंडर वाइज आप समझ लीजिए, मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ कि मेरे को छोड़ के ना चला जाए, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को दे रहे हो उसको और वो भरता जा रहा है। अरे भर जाएगा तो वो तो चला ही जाएगा ना, वो आपके पास क्यों रुकेगा, आप तो खाली हो गए ना, जब खाली हो जाओगे तो वो बिल्कुल चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वो पाइप आपसे जुड़ा हुआ है ना, तो वो पाइप आपसे जुड़ा हुआ है, तो जब आप परेशान होते हो तो वो एनर्जी उस तक भी जाती है, जब कितना ही खुशी हो, कितना ही एनर्जी से भरा हुआ हो, ये कनेक्शन जो होता है ना, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सेक्रेट कनेक्शन, बहुत सेक्रेट जर्नी होती है, ये सबके लिए है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, हर कनेक्शन के लिए ये क्या कहते हैं चीज लागू होती है, ठीक है। तो इस चीज को समझो, फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक दो मैसेज कर देगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप सोचोगे वाह मजा आ गया, इसने तो मेरे को याद कर लिया, अरे यार वो अभी की एनर्जी है जो आपको वापस कर रहा है। इसीलिए बोलती हूं अपनी एनर्जी को कट कर दीजिए, और फिर से आप वो फाउंडेशन जो आपने मजबूत की थी अपनी, वो क्या कहते हैं पहाड़ खड़ा कर सकते हो, वो घर, वो बंगलो, वो इमारत अपनी प्यारी सी खड़ी कर सकते हो जो आपने बनाई थी कभी खुशियों की, अपनी प्यार की, कि आपके अंदर वो प्यार है ना। तो इस चीज़ को समझो, बस मैं आज ही समझाना चाह रही हूँ आपको, समझो इस चीज़ को कि आप जिस दिन अपने से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, अपने अंदर वो एनर्जी भरना शुरू कर दोगे, अपना अकाउंट भरना शुरू कर दोगे, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये 1000 रुपये, फिर 1 लाख भी इकट्ठे करोगे, करोड़पति हो जाओगे, फिर अरबपति हो जाओगे, आप कितना फ्री, कितना मजबूत फील करोगे, दुनिया में कोई आए जाए, एक बूंद आपने दे दी, फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। यही एनर्जी का गेम है, अपने अंदर आपने इतनी एनर्जी सिक्योर कर ली, स्टोर कर ली, अपनी एनर्जी को सिक्योर करना सीखो, स्टोर करना सीखो, तो आपका कुछ भी कोई भी बाल भी वाका नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी को कभी कोई लो कर ही नहीं सकता, समझ गए गाइज। तो ये मेरी आज की गाइडेंस है, मेरी नहीं भगवान की। फटाफट देखते हैं देर ना करते हुए, चलिए समझिए इसको, बार बार सुनिए वीडियो, मैंने कोशिश की है, डिवाइन ने कोशिश की आप तक ये पहुंचाने की, ठीक है। बार बार सुनिए क्या कहना चाह रही हूँ। आइसोलेशन, बिल्कुल आपके पार्टनर ने ना एक स्ट्रेंथ बना ली है, एक पावर उनके अंदर जो है वो समझ गए हैं, आइसोलेट हैं, बिल्कुल चीज़ों को समझ रहे हैं ना। जब अकेले होंगे तभी तो समझेंगे, सोचेंगे, अगर वो थर्ड पार्टी सिर पे ही नाचती रहेगी तो कैसे समझेंगे, है ना, वो तो मैनिपुलेट ही करती रहेगी। लेकिन अब ना आइसोलेट हो गए, थोड़े से अकेले में सोचते हैं, बैठते हैं, मनन चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन उनका चलता है, मेडिटेशन चलता है, और इस
सामर्थ्य में, शक्ति में वो आ रहे हैं, उनके अंदर ये शक्ति है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वो इंटरवेंशन तो भगवान का है ना, उनकी कोई गलती ही नहीं है आपके पार्टनर की। तो अपने पार्टनर को कभी मत कोसना, समझ गए, और अपने पार्टनर को हमेशा ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि उनकी वजह से ही आप ग्रोथ कर रहे हो, उनकी वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हो इस लाइफ में, आपको ये जर्नी आपको ट्रिगर हुई है उनकी वजह से, ठीक है। अगर नहीं होते तो कैसे पता चलती भगवान कौन है, क्या है, कैसे हमारे साथ हैं, क्यों है ये सब, दुनिया क्या है, ये 5D 3D लाइफ क्या है, ये डायमेंशंस क्या है, ये कर्मा बैगेज कार्मिक अकाउंट्स क्या है, सब आपको इस जर्नी में आके पता चलता है। वो डिवाइन की मर्जी होती है, उसके बिना क्या, फिर बोलती हूँ पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो क्या चीज़ है, है ना। तो ये जो शक्ति है उन्होंने बना रखी है अपनी, क्वेस्ट क्या है, क्यों आया यहाँ पे, ओके, क्वेस्ट यानी कि उनको हमेशा मैनिपुलेट किया गया है, कुछ भी सिखाया तो मैनिपुलेशन से सिखाया है। आपके थर्ड पार्टी के फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जो भी चीज़ें उनके दिमाग में डाली गई हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी यानी कि उस जकड़न को और पक्का ताला मजबूत करने के लिए, कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत प्यारी है। कोई उनके थर्ड पार्टी के दोस्त हो सकते हैं, वो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और आप में और आपकी, आपके अंदर, आपके बीच और आपकी थर्ड पार्टी के बीच, यानी कि कॉम्पिटिशन एक तरह से, थर्ड पार्टी क्या है, आपकी कॉम्पिटिटर है, यानी कि एक राइवलरी जो यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो उनके फ्रेंड यानी कि वो थर्ड पार्टी कैसे अपने फ्रेंड के थ्रू भी अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करती नजर आ रही, कि क्या है कि मैं ये इस नेगेटिविटी से बंधे रहें, ताकि उसके पैसों से बंधे रहें, उसके उसको यूज़ करते रहें, उसकी एनर्जी को नेगेटिव कर दें और आपसे उसको पूरी तरह से छीन सकें, ब्लैक मैजिक ये सब कुछ। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके भी सिखाई जा रही हैं और नेगेटिविटी के थ्रू। सॉरी गाइस, ये मेरा थोड़ा सा आज गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, चलिए, मेरा हाथ लग जाता है बार बार। हाँ, हैंगमैन इसलिए हैं, अभी थोड़ा सा बिल्कुल वो हैंग्ड पोजिशन में हैं, हैंग्ड हो गए हैं, त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं, सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके जो ये विजडम है ना वो ख़त्म नहीं हुई है, उसको उल्टा लटका दिया है, बट लटक गया है, लेकिन शांत है कि गुजरने दो, ये टाइम भी गुजरेगा और ये समय अच्छा आएगा। ये देखो, ये टावर मोमेंट भी हटेगा आपका, ये देखे हैप्पी फैमिली, ठीक है। ये जो सेपरेशन मोड चल रहा है ना, ये परेशानियां आपकी दूर होंगी गाइज, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत समझदार हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत विजडम है उनके अंदर, हर चीज़ कर सकते हैं, पीस में रहते हैं, हर चीज़ को टैकल करना आता है लाइफ के हर एरिया में, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ। देखो, ये इनफाइनाइट का सिंबल है ना, इन्फिनिटी का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, येलो कलर है विजडम को डिनोट करता है, और ये जो फूल पत्तियां हैं ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ होगी उनकी, पैशन है, रेड क्या है, पैशनेट है वो, वाइट क्या है, पीस में रहते हैं, ठीक है, सुकून में रहते हैं, छड़ी क्या है, विजडम है उनकी ये, और कुछ भी मैजिक कर सकते हैं वो अपने हाथों से। एक तरफ ये धरती की तरफ को इशारा कर रहे हैं, यानी कि वो ग्राउंडेड हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, और यूनिवर्स की तरफ को इशारा कर रहे हैं, यानी कि वो ऊपर से भी जुड़े हुए हैं, धरती से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि चारों तरफ वो पूरी तरह से, हर तरह से बैलेंस्ड फॉर्म में आपको मैनिफेस्ट करेंगे जब वो इस अवस्था में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, अभी वो अभी ये हैं, ठीक है। तो ये थी, काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, मैं साईं बाबा के मैसेज ले लेती हूँ। बिल्कुल थर्ड पार्टी का ये हाल है, आपके पार्टनर निकलेंगे, और जो आज मैंने बताया है आपको, ईश्वर ने जो बताया है, साईं बाबा क्या कह रहे हैं, कनेक्ट टू द चाइल्ड विद इन, अपने अंदर जुड़िए, अपने अंदर की जो पावर है उससे जुड़िए, यानी कि अपने अंदर के बच्चे को, चाइल्डहुड में आपको जो पेन मिले हैं उनसे निकलिए, मेडिटेशन कीजिए, चाइल्ड हीलिंग कीजिए, फ्लो विद लाइफ, बिल्कुल जो हो रहा है उसको होने दो, एक्सेप्ट करो जो भी अटैचमेंट है उससे दूर रहो, साईं बाबा कह रहे हैं। भक्ति योगा, डिवोशन, भक्ति यानी कि ईश्वर में विश्वास रखो, और क्या कहते हैं, जैसा आप अच्छा सोचेंगे ऐसे ही आपको बाहर मिलेगा, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी गाइस। बी अ लाइट हाउस, आप एक लाइट हाउस हो, और दूसरों के लिए क्या बनो, प्रकाश, रास्ता दिखाने वाले बनो, है ना, बी अ लाइट हाउस, जो दूसरों को बताता है कि यहाँ पे दूसरों को प्रकाश में लेके चलना, डार्कनेस से लाइट की तरफ को ले जाने वाला इंसान,
बनो, दूसरों के लिए हेल्प करो, दूसरों को भी हेल्प करो, सीखो और हेल्प करो, यानी कि बी अ लाइट हाउस। ओके, तो डार्कनेस को टोटली खत्म करने वाले इंसान आप एनर्जी हो, यहाँ पे बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, साईं बाबा कह रहे हैं। ओके गाइज, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।